स्टूडेंट आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है देखिए जो स्टूडेंट सात और आठ के बीच में जाने वाले थे अपनी काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट है वो हो गई है चेंज क्या है कंप्लीट प्रोसीज़र क्या आया है न्यू हमारे पास शेड्यूल वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ पुराना शेड्यूल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा न्यू शेड्यूल भी दिख रहा होगा ठीक है और कल मैं कोशिश करूँगी कि लाइव आके आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँ बट अभी आप देख लीजिए नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के थ्रू सारी चीज़ें बताने वाली हूँ देखिए जिन स्टूडेंट के लिए ऐसा था कि भाई मेरे पास अभी फ़ीस का अरेंजमेंट नहीं है थोड़ी प्रॉब्लम है फ़ीस अरेंज करने में आउट ऑफ स्टेशन है बच्चा नहीं आ पा तो उन लोगों के लिए अच्छा हुआ और जो लोग जो लोगों के पास सारी चीज़ अवेलेबल थी वो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप एक दिन बाद दो दिन बाद अगर जाएंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तब भी प्रॉब्लम नहीं है क्या क्या चेंजेस हुए हैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में तो ध्यान से देखिएगा अगर मैं लास्ट जो हमारा शेड्यूल हमारे पास था टेंटेटिव शेड्यूल था बिकॉज़ वो टेंटेटिव था मतलब चेंजेस कुछ ना कुछ होने थे है ना तो इसमें देखिए इसमें बोला गया था कि भाई इसमें बोला गया था आपको कि सीट अलॉटमेंट जो होगी मैं आपको दिखा देती हूँ मार्क करके इसमें बोला गया था कि जो सीट अलॉटमेंट होगी वो कब होगी फोर्टीन टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू चौदह दस दो हज़ार बाईस को सीट अलॉटमेंट होगी ठीक है फर्स्ट राउंड वालों के लिए ठीक है अब आ गया है नवंबर अब नवंबर के लिए यहाँ पे क्या बोला गया था नवंबर में अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूँ तो थर्ड राउंड का जो सीट कन्फर्मेशन था वो एक नवम्बर को होना था ठीक है न्यू शेड्यूल के हिसाब से भी चीज़ें अभी आपको बताने वाली हूँ पहले ये देख लीजिए आप अब जो मेन चीज़ है वो हुई है किसके लिए बच्चों ने फॉर्म भी फिल कर दिया सीट फ्रीज फ्लोट जिसे जो भी करनी थी वो कर चुके हैं बच्चे उसके बाद अगर बात करूँ थर्ड राउंड की सो थर्ड राउंड भी ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है थर्ड राउंड में भी जिसे सीट मिलनी थी मिल गई है, है ना सारी चीज़ें हो गई हैं अब बात कर लेते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाकी के इससे पहले स्टेप सारे हो चुके हैं स्टूडेंट कर चुके हैं इससे पहले के स्टेप ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स हो गए हैं कंप्लीट अब बात कर लेते हैं कि भाई जो सीट अलॉटमेंट है अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड uh, स्टेप की थर्ड थर्ड राउंड जो है आपका उसमें जो सीट अलॉटमेंट का जो आपके लिए दिया हुआ है वो कब दिया हुआ है यहाँ पे अगर देख पा रहे हो एक ग्यारह दो हज़ार बाईस से चार ग्यारह दो हज़ार बाईस मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन फोर फ्रीज कैंडिडेट अप टू राउंड थ्री इन इन केस ऑफ नोन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी विल बी डैम्ड ओ हैज़ कैंसिल्ड नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर वॉट एवर रीज़न ठीक है जी यहाँ पर बोला गया था कि एक तारीख एक तारीख से चार तारीख के बीच में आपने जाना है किसके लिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए ठीक है उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे फोर्थ राउंड की तो फोर्थ राउंड वालों को कब जाना था सात से नौ के बीच में फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए जाना था फोर्थ राउंड वालों को ठीक है लेकिन वहीं पे अगर इसकी बात करें थर्ड राउंड की तो थर्ड राउंड तक के जो स्टूडेंट थे उन्हें एक से चार के बीच में जाना था फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए ठीक है अब बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है अगर मैं फोर्थ राउंड की बात करूँ तो फोर्थ राउंड के आगे क्या दिया हुआ है ये देखिएगा एक सेकेंड वेट कीजिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोर्थ राउंड की सो फोर्थ राउंड के सामने यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये आप देख पा रहे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग फ्रीज कैंडिडेट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डैम्ड एज कैंसिल नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर वट रीजन ठीक है जी अब मतलब ये है कि सात से नौ के बीच में बच्चों को जाना था लेकिन अभी जो नया शेड्यूल आया उसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा वो पहले देख लेते हैं फिर बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे ये आया है अप अपडेटेड शेड्यूल फॉर मंथ ऑफ नवंबर 2022 यूपी ट्वेंटी 2022 ठीक है तो इसमें जे मींस -E के लिए है एन वालों के लिए सी यू ई यू जी के लिए है. तो हम मेनली सी यू ई यू जी को ही कवर करने वाले हैं पीजी वाले भी अगर कोई हो तो वो देख लीजिएगा तो इसमें देखिए सेकंड राउंड नंबर टू राउंड नंबर मेनली क्या है यहाँ पे राउंड नंबर टू है भाई सो राउंड नंबर टू में हमें यहाँ पे ऑनलाइन विड्रोल जिन स्टूडेंट ने राउंड टू में यहाँ पे कंप्लीट अपना फॉर्म वगैरह फिल किया था जो भी फ़र्स्ट राउंड में उन्होंने अगर फ्लॉट कर दिया था सेकेंड राउंड उन्होंने अटेंड किया है फिर अगर उन्हें अपना विड्रोल लेना था उन्हें कोई भी सीट नहीं चाहिए सी यू टी के थ्री उन्हें एडमिशन इन्हें लेना है उन्हें सारा पैसा अपना वापस चाहिए तो जो रिफ़ंड है वो कब तक वापस आ जाएगा डेट देखिए एक नवंबर से दो नवंबर तक के बीच में पैसा वापस आ गया होगा ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग जो है थर्ड राउंड के लिए वो कब से कब तक है तीन नवंबर से चार नवंबर के बीच सीट अलॉटेड सीट अलॉट जो होगी पाँच नवंबर को होंगी ये चीज़ें देखते जाइएगा अभी आप देख रहे थे कि तीन से चार के बीच में जो थर्ड राउंड तक के बच्चे उन्हें जाना है किसके लिए फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए उसके बाद पेमेंट होगी सीट कंफर्मेशन के लिए छः से आठ के बीच में राउंड चल रहा है थर्ड उसके बाद मैंडेटरी फ़िजिकल रिपोर्टिंग अब आ जाते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्योंकि ये सी ने क्यों किया जो एक से चार तारीख के बीच में जो डेट थी अब वो डेट कहाँ चली गई है वो देखिए यहाँ पर मैंडेटरी फ़िजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन फॉर फ्रीज़ कैंडिडेट अप टू राउंड थ्री राउंड थ्री तक जो फ्रीज़ कैंडिडेट है जिन्होंने सीट फ्रीज़ कर दी है वो कब जाएंगे नौ नवंबर से लेकर दस नवंबर तक के बीच में उन्हें जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए और ये बहुत अच्छा संकेत है ये बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है भाई उन्हें टाइम मिल गया है किसके लिए फ़ीस अरेंजमेंट करने के लिए काफ़ी लंबा समय मिल गया है उसके बाद फोर्थ राउंड के लिए भी देखिए यहाँ पर सीट अलॉटेड ऑटो फ्रीज इन्हें कब जाना है फोर्थ राउंड वालों को बारह नवंबर को जाना है फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए जब हम जाएंगे तो क्या क्या रिक्वायर्ड होगा आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे किसके लिए वेरिफिकेशन के लिए दूसरा पूछ के जाएंगे कि भाई फर्स्ट फर्स्ट ईयर की या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी फ़ीस की होती है वो कितनी है तो वो कॉलेज में पूछ के जाइएगा और वो कंप्लीट फ़ीस लेके जाइएगा तभी आपका एडमिशन जो है वो वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा अगर आपको एफडब्ल्यू फ़ीस अगर आपको एफ़ डब्ल्यू सीट मिली है तो उसकी फ़ीस आपकी कंप्लीटली तिरसठ हज़ार चार सौ माइनस हो जाएगी अब जो फोर्थ राउंड वाले स्टूडेंट हैं वो कब जाएंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए फोर्थ राउंड वाले स्टूडेंट कब जाएंगे चौदह और पंद्रह नवंबर तक उन्हें जाना है तो आप चौदह और पंद्रह नवंबर तक पहुँच जाइएगा ठीक है अब ये क्या हुआ मैम इतना लेट क्यों कर दिया है पाँच सात दिन जो इन्होंने आगे पीछे कर दिए हैं चीज़ें वो इसलिए की हैं क्योंकि सीट अलॉट करने में ही यूनिवर्सिटी ने बहुत टाइम लगा दिया इस वजह से ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन जो शेड्यूल है वो दोबारा से बनाना पड़ा शेड्यूल दोबारा से चेंज हुआ है ठीक है जी उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट जो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं वो तो आपको पता ही है फोर्थ राउंड के बाद फिफ्थ राउंड आएगा ऑनलाइन विलिगनेस एंट्रीनल स्लाइडिंग ठीक है जी उसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड जो शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देखिए बहुत अच्छी बात है रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट्स को वन थाउजेंड दोबारा से रजिस्ट्रेशन डालना है पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फी टू थाउजेंड स्पेशल राउंड की जो फीस होगी वो कितनी होगी पेमेंट ऑफ फ़ी फीज होगी सॉरी यहाँ पे स्पेशल राउंड की जो फ़ी होगी वो होने वाली है ट्वेंटी थाउजेंड जैसे कि पहले भी ट्वेंटी थाउजेंड थी अभी भी ट्वेंटी थाउजेंड रहेगी बट मतलब वो सीट कंफर्मेशन के लिए है या यहाँ पे देख देखिए जो स्पेशल राउंड होगा इसमें आपको सीट मिलने से पहले सीट मिलने से पहले आपको बीस हज़ार देना है ये कंफर्म है गारंटी है कि सीट आपको मिल जाएगी लेकिन पेमेंट पहले करनी है सीट बाद में अलॉट होगी ये मैं क्लियरली समझा देती हूँ अभी तो अभी इस बार गल गलती मत कर देना पहले जो भी गलती हुई है ठीक है लेकिन इस बार गलती करोगे तो फिर आपको दूसरा इसके आगे कोई मौका नहीं मिलेगा ठीक है जी सो so, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इफ अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो ठीक है जिन कैंडिडेट जो कैंडिडेट पैसे नहीं भर पाए थे किसी भी कारण से जिनका जो सीट अलॉटमेंट है वो नहीं हो पाया था पेमेंट फी नहीं हो पाया था वो फिफ्थ राउंड में अटेंड करे बट फिफ्थ राउंड में जब अटेंड करे तो सारी चीज़ें देखनी है और एक और बात बता दूँ कि फिफ्थ राउंड में भी अगर आप काउंसलिंग में अटेंड कर रहे हो तो इसमें आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हंड थाउजेंड रुपी देना ही होगा और सीट कंफर्मेशन से पहले ही आपको जब वहाँ पे पेमेंट का आए बोला जाए तो आपको वहाँ पे पेमेंट भी करनी है बीस हज़ार रुपये पेमेंट भी करनी है ओके सो मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बाकी मैं लाइव आके आप लोगों को डिजिटल बोर्ड के थ्रू सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ जिससे कि आपके सारे डाउट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे ओके डियर स्टूडेंट नैन मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिक वीडियो के साथ उससे पहले मैं आपको बता दूं देखिए सीट आपको कहीं भी मिले कॉलेज कोई भी मिले अच्छी बात है मैं तो हमेशा बोलूंगी कि आपको आपको ड्रीम का कॉलेज मिले बट उससे पहले आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू कर देनी चाहिए बिकॉज आप देख रहे हैं अगर ए यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मात्र चार या पाँच रिजल्ट दे रहा है ए यूनिवर्सिटी तो ये बहुत बड़ी बात है इसमें बहुत मेहनत आप लोगों को करने की ज़रूरत है उसके लिए बी एस पी फार्मेसी के ऑनलाइन कोर्सेज सा, के साइड आप जा सकते हो जिसमें कि होम डिलीवरी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है अभी तो अभी के अभी जाके बी एस पी फार्मेसी ऐप इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से वहाँ पे जाके कोर्सेज विजिट करो जो भी कोर्स अच्छा लगे वो आप ले सकते हो अदरवाइज़ हेल्पलाइन नंबर से भी संपर्क कर सकते हो मिलेंगे दन नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये बीएसपी फार्मेसी को और करे अपने सी यू ई टी बी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दिए नाउ